3 दिन पहले केरल पहुंचा मॉनसून अब लगभग पूरे केरल पर छा चुका है। अब यह कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। अगले 48 घंटे में इसके उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ने की स्थितियां भी बन रही हैं। अगले 24 घंटे में कर्नाटक के कोडागु में मौसम विभाग ने 51.5 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान जताया है। उधर बेंगलुरु और उडुपी में 340 मिलीमीटर बारिश मई माह में दर्ज की गई, जो अमूमन 168.6 मिलीमीटर रहती है। बेंगलुरु में बारिश ने तो 1982 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं 6 जून तक मानसून के गोवा और महाराष्ट्र में पहुंचने के आसार हैं। जुलाई के दौरान देश भर में LPA 101%, जबकि अगस्त के दौरान 94% बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम विभाग ने इस बार अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है, यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस बार अच्छी बारिश होगी। जबकि मध्य भारत में LPA की 99%, दक्षिण में 95% और उत्तर पूर्व भारत में LPA की 93% बारिश का अनुमान है। बता दें कि यह लगातार 3रा साल है जब मानसून सामान्य रहेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ अगस्त माह में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों में 100% तक बारिश होगी।